लाहौर में कोरोना वबा के बाद जारी है। लाहौर में कोरोना 18 जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना के 254 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में कोरोना से अमवात की तादाद 1263 तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, लाहौर में कोरोना फैलाव की शरह 5.47% है। एनसीओसी की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर में कोरोना के 85 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। लाहौर में कोरोना के वार लगातार जारी हैं। लाहौर में कोरोना 18 जिंदगियां निकल गया है। शहर में कोरोना के 254 नए मरीज सामने आ चुके हैं। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताएगा कोरोना मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जी बिल्कुल, एक ही रोज में कोरोना वायरस से जो है वो शहर भर के अंदर तकरीबन 18 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। ना सिर्फ केसेस बल्कि अम्बात की तादाद में भी जो है वो रोजाना इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में अगर हम अम्बात की मजमूई तादाद के हवाले से गुफ्तगू करें तो तादाद जो है वो 1263 तक जो है वो जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सुबह भर के अंदर जो है वो तकरीबन 622 अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से 254 है उनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से बताया जा रहा है। इसी तरह जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से बताया गया कि जो केसेज है उनकी कुल तादाद जो है वो 1,22,000 से जो है वो तजावज कर चुकी है, जबकि अब तक जो है वो तकरीबन 2,00,000 से ज्यादा अफराद की जो है वो टेस्टिंग की जा चुकी है। इस वायरस को शिकस्त दे के कामयाबी से घर जाने वाले अफराद जो है उनकी तादाद इस वक्त 99,000 से जो है वो तजावज कर चुकी है। अगर हम जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदाद शुमार के हवाले से गुफ्तगू करें तो उनकी जानिब से बताया गया है कि मुल्क भर के अंदर जो कोरोना वायरस है इसके फैलाव की शरह जो है वो 7.9 तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर शहर के अंदर इस जो कोरोना वायरस है इसकी फैलाव की शरह जो है वो अब 5.4 तक जा पहुंची है। यानी 5.4 अफराद जो है वो लाहौर के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस के जो है वो जद में आ चुके हैं। शहर के अंदर जो है वो इस वक्त तकरीबन 85 अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको इस वक्त शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो वेंटिलेटर्स हैं वहां पर इस वक्त जो है वो तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। जी बसाम सुल्तान, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है। एक बार फिर एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना फील्ड हॉस्पिटल को फाल कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि एक बार फिर से एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना फील्ड अस्पताल को फाल कर दिया गया है। कोरोना मरीजों में कमी आने के बाद इस अस्पताल को बंद कर दिया गया था। तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो जो इंतजाम हैं कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। जिस तरह पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए गए थे और ख़ासतौर पर कोरोना वार्ड्स जो हैं उन्हें फाल किया गया था और एक्सपो सेंटर में जो है हॉस्पिटल बनाया गया था, इसी तरह जो है वो दोबारा एक्सपो सेंटर में जो है हॉस्पिटल बनाया गया। तकरीबन 300 बेड्स और 300 जो बेड्स हैं जिनके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है वो उसको आज से दोबारा फाल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है इस हॉस्पिटल का दौरा करेंगे एक्सपो सेंटर के और इसको जो है इसके ऊपर जो अब तक की जो पेशरफ्त है, कितने यहाँ पर बेड्स लगाए गए हैं और किस तरह से जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाएगी। जो पहले देखा गया था कि फेज़ 1 में जो कोरोना का था उसमें जो लोगों के जो मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ा था उसको किस तरह इस बार दूर किया जाएगा, जो भी SOPs होंगे उस हवाले से जो है ज़ेर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जो है ब्रीफिंग दी जाएगी। तमाम बताया ये जा रहा है कि 300 बेड पर मुश्तमिल जो है इसको फाल कर दिया गया है पहले मरले में। इसी तरह 1400 वेंटिलेटर जो हैं वो पंजाब भर में जो है उनको मुहैया कर दिया गया और ज़्यादातर रश जो है वो तवक्को की जा रही है कि अगर कोरोना मजीद फैला तो ज़्यादातर रश जो है वो लाहौर में होगा, इसलिए ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको जो है वो कैटर किया जाए और उनकी देखभाल की जाए। उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से बहरहाल लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए, रश में ना जाया जाए ताकि कोरोना जो है मजीद फैलने से रोका जा सके। जी अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी आ चुकी है। महकमा पुलिस में भर्तियों के पेपर मुलतवी नहीं किए गए। इज्तिमा पर पाबंदी, मगर भर्तियों के लिए हजारों उम्मीदवार पेपर देंगे। महकमा पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए पेपर लिए जा रहे हैं। शहर में उम्मीदवारों के लिए 9 सेंटर्स बनाए गए हैं, जबकि भर्तियों के लिए आज 7,542 उम्मीदवार पेपर देने के लिए जमा होंगे। वादत रोड पायलट स्कूल में 783 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान देंगे, जबकि पंजाब भर से हजारों उम्मीदवार आज लाहौर में जमा होंगे। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के सिलसिले में तहरीरी इम्तिहानात का सिलसिला जारी है और APS मॉडल टाउन के बाहर भी ये सिलसिला जो है वो जारी है और जो उम्मीदवार हैं वो एक कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेज़ी बरकरार है। महकमा पुलिस में भर्तियों के पेपर मुलतवी ना किए गए,
इस्तेमाल पर पाबंदी मगर भर्तियों के लिए हजारों उम्मीदवार पेपर दे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फाहद भट्टी और इसरार खान। सबसे पहले रुक करेंगे इसरार खान का, जी इसरार बताएगा कौन से सेंटर में मौजूद है और SOPs पर अमल दरामद हो रहा है यहाँ पर। जी, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्तियों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में तहरीरी इम्तिहानात भी लिए जा रहे हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मजमू तौर पर सुबह भर में 38,000 लेडी और मर्द पुलिस कांस्टेबल्स भर्ती किए जाएंगे और इस सिलसिले में मरहलावार तहरीरी इम्तिहानात का सिलसिला भी जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मजमू तौर पर 9 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं जहाँ पर तहरीरी इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं APS मॉडल टाउन के बाहर मौजूद हूं जहां पर हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन उम्मीदवार आए हुए हैं और 11 बजे सुबह ये इम्तिहानात शुरू हुए जो 2 घंटे तक यानी 1 बजे तक जारी और सारी रहेंगे। इस सिलसिले में खसूसी हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं, रास्ता जो है वो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फाहद भट्टी और इसरार खान। सबसे पहले रुक करेंगे इसरार खान का, जी इसरार बताएगा कौन से सेंटर में मौजूद हैं और SOPs पर अमल दरामद हो रहा है यहाँ पर। जी, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्तियों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में तहरीरी इम्तिहानात भी लिए जा रहे हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मजमू तौर पर सुबह भर में 38,000 लेडी और मर्द पुलिस कांस्टेबल्स भर्ती किए जाएंगे और इस सिलसिले में मरहलावार तहरीरी इम्तिहानात का सिलसिला भी जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मजमू तौर पर 9 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं जहां पर तहरीरी इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं APS मॉडल टाउन के बाहर मौजूद हूं जहां पर हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन उम्मीदवार आए हुए हैं और 11 बजे सुबह ये इम्तिहानात शुरू हुए जो 2 घंटे तक यानी 1 बजे तक जारी और सारी रहेंगे। इस सिलसिले में खसूसी हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं, रास्ता जो है वो गैर मुतल्लिका अफराद के लिए बंद कर दिया गया है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जहाँ तक कोरोना वबा की सूरत हाल है उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब उस्मान गनी ने खसूसी तौर पर हिदायत जारी की थी कि जो भी उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहानात देने के लिए आएगा उसको मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाए। जो SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा है, इसरार खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं फाहद भट्टी वहादत कॉलोनी में। फाहद भट्टी, आप बताएगा वहादत कॉलोनी में क्या SOPs का ध्यान रखा जा रहा है कि वहाँ भी यही हाल है? जी, वहादत कॉलोनी में जो उम्मीदवार आ रहे हैं कांस्टेबल आन की भर्ती के लिए जिन्होंने पेपर देना है उनकी जानिब से तो SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, मगर जो यहाँ पर मौजूद पुलिस अहलकार हैं इम्तिहानी मरकज़ में और जो बाहर पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं उन्होंने ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखा है, मास्क चेहरे पर पहने हुए हैं। मगर जो दूर दराज के इलाकों से आए हैं यहाँ पर वादत रोड पर जो या लाहौर के अंदर जो 9 इम्तिहानी मरकज़ जो हैं वो बनाए गए हैं कांस्टेबल आन की भर्ती के लिए, वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं या जो मर्द व ख़वातीन आ रहे हैं उनकी जानिब से SOPs का ख्याल ज़्यादा हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं लोग, ना ही समाजी फासले का ख्याल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आते हैं तो इस वबा कोरोना वबा का जो फैलने का खदशा है वो ज़्यादा है। इस्तेमाल पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है हुकूमत की जानिब से, मगर पुलिस के जो पेपर हैं कांस्टेबल की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहानात हैं उस पर जो है वो पाबंदी नहीं लगाई गई, उसको मुलतवी नहीं किया गया। वादत रोड पायलट स्कूल के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो है वो तकरीबन मर्द ख़वातीन की जो तादाद है वो 783 बताई जा रही है महकमा पुलिस की जानिब से कि इतने उम्मीदवार जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए। फाहद भट्टी और इसरार खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।